इससे पहले पंडित जी हम आगे बढ़ें, क्योंकि तुला राशि मेरी भी राशि है, उससे पहले एक प्रश्न, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर हैं गगन जी, उन्होंने सवाल लिखे हैं और हर सवाल में लक्ष्मी माँ का जिक्र किया है, लेकिन एक सवाल ये भी तो आ सकता है कि जब भी त्यौहार होते हैं कि हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो, लक्ष्मी धन का प्रतीक है, सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, माँ शक्ति पार्वती जो है वो शक्ति का प्रतीक है, तो क्या ये कलयुग का प्रभाव है कि हम सिर्फ धन की ही कृपा चाहते हैं, हम ज्ञान क्यों नहीं चाहते हैं, शक्ति क्यों नहीं चाहते हैं, धन की तरफ इतना आकर्षण क्यों है हर त्योहार पे? ऐसा है, इसका उत्तर मैं आपके माध्यम से सभी को देना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई अभिशाप इस संसार में है ही नहीं। दरिद्रता और अभाव के जीवन से ज़्यादा इस संसार में कोई दुख नहीं है। बड़े बड़े भागवतिक संत सुदामा जैसे लोग जो कृष्ण के सखा थे, दरिद्रता जब भोग रहे थे तो क्या स्थिति थी उसका वर्णन आता है। दरिद्रता से बड़ा कोई मतलब कि दुख है ही नहीं है संसार में, ठीक है। इसलिए केवल हम मनुष्य नहीं, इंद्र के यहाँ से जब रूठ करके लक्ष्मी चली गई थी तो इंद्र को भी 10 लाख ब्रह्मा से 10 लाख पाए हुए मंत्र को, 10 लाख मंत्र का जप करके इंद्र को पुरहन लक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ा था। स्वर्ग में भी सुख का अभाव हो जाता है अगर लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष न हो। यहाँ तक कि अगर भगवान विष्णु से नाखुश होकर के लक्ष्मी एक मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो उनका भी श्री कम होने लगता है। तो थोड़ा सा पंडित जी सुनिए ना, जहाँ तक ज्ञान की बात है, ज्ञान सरस्वती से जुड़ा हुआ है। जब आप पैदा हुए तो आपने 4 बार कहा कहाँ 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 कहाँ, और आपके मुंह के पास रुई फाये में ले गई तो आपने ऐसे करने लगे। आपको किसने सिखाया था पेट में दूध पी लेना? ये सरस्वती का ज्ञान तो जन्म जन्मांतर से आपके दिमाग में है ही है। किसी को पढ़ाया नहीं जाता है कि काम अच्छा है काम बुरा है, लेकिन कोई आदमी जब बुरा काम करने चलता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि काम बंद करो ये गलत है। ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है कि ये काम बुरा है ये काम अच्छा है, उसका हृदय अंदर से कहता है ये काम अच्छा है ये काम बुरा है, इसको करो इसको ना करो। ये स्वतः और हर व्यक्ति के जीवन में है, पढ़ा लिखा हो तो भी ना पढ़ा लिखा हो तो भी। लेकिन पंडित जी शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि धन हमारी भौतिक चीज़ों को कमियों को दूर कर सकता है, लेकिन ज्ञान जो हमारे दुख हैं जो उनको दूर कर सकता है। ऐसा है, ठीक है, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान 2 प्रकार का है। एक ज्ञान तो वो है जिससे मतलब कि जो है द्रव्य उपार्जन किया जाता है। मातु पिता बालकन बोलाई, उदर भराई सोई धर्म सिखाई। माँ बाप अपने बच्चे को बुलाकर कहते हैं बेटा खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, बड़े अधिकारी बनो और अपनी जिंदगी चलाओ अच्छे से। ये नहीं कहते कि बेटा भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा पाठ करना, गरीब दुखियों की मदद करना, संसार की सेवा करना, ये कोई माई बाप नहीं कहता है। मातु पिता बालकन बोलाई, उदर भरई सोई धर्म सिखाई। तो एक सरस्वती का महत्व तो यहाँ है, एक सरस्वती का महत्व यहाँ है। और सरस्वती माने ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ये 2 बार ही 2 लोगों के ऊपर मतलब कि प्रसन्न हुई हैं और दोनों लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। एक तो ये कुंभकर्ण के ऊपर आई थी देवताओं की प्रार्थना से। तुम कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं 1 दिन जागूं और 6 महीने सोऊं, समझ रहे हैं ना, कुंभकर्ण के दिमाग पर चढ़ी थी, तब वो 6 महीने सोने लगा 1 दिन जागने लगा। और दूसरा, जब देवताओं ने बहुत आग्रह किया कि तुम जाओ जो है मंथरा के ऊपर हो जाओ, तो उसने कहा ना ना ना, यहाँ तो राम को बदगबन हो जाएगा, इतना गलत काम में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन देवता लोग फैल गए कि जाना ही पड़ेगा, तो मंथरा के ऊपर आ गई। और मंथरा के ऊपर आकर के कैकेयी को जिस तरह से सिखाया पढ़ा उसका जो परिणाम मंथरा को भोगना पड़ा, जो उनकी कुबर की कुटाई हुई उसे भी आप जानते हैं। तो सरस्वती का एकदम से प्रकट हो जाना, उनका आशीर्वाद और छाया ही अच्छी है, और वो अगर प्रकट हो गई तो ये कब ठीक बात है। इसलिए लक्ष्मी की श्री, हर आदमी अपने नाम के आगे श्री बांध क्यों लगाना चाहता है, क्योंकि श्री वही है, लक्ष्मी है। और
बिना उनके यज्ञ नहीं हो सकती, बिना उनके देवताओं की उपासना नहीं हो सकती। हव हविसान और कव्य ये दोनों पैसे से ही तो प्राप्त किए जाते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी की उपासना तो आवश्यक है, इसलिए लक्ष्मी की प्रधानता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सरस्वती की प्रधानता नहीं। संतुलन बना रहे, संतुलन बना रहे दोनों के बीच जी।